हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और आप लोग जानते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आईयूपीएससी पद्धति में जो नामकरण किया जाता है उसके लिए बहुत अलग अलग रूल्स आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे कंपाउंड्स का हम लोग नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स का हमने नॉमेनक्लेचर किया है यहाँ पर। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करता है, चाहे 11th की बात करें, 12th की बात करें, या केमिस्ट्री आप जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ध्यान से आपने इसको पढ़ना है, बहुत ध्यान देना है इन रूल्स पर, क्योंकि आगे ये आपको काम आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है, अलग अलग तरह से आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। हमारी बुक में थोड़ा कम है, लेकिन इस जो ये वाले नोट्स हैं इनमें मैंने बहुत डीप में आपको बताया कि कैसे आप लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर, इन सभी का हमने क्या किया था यहाँ पर, नामकरण किया था, ठीक है ना। तो आपके बहुत सारे कंपाउंड बने थे, जैसे ये मिथेनोइक एसिड हो गया आपका, इथेनोइक एसिड हो गया, टू मिथाइल ब्यूट टू इन ओइक एसिड हुआ, ठीक है ना, ओइक एसिड आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या है यहाँ पर, कंपाउंड्स है कुछ जिनका आपने नामकरण किया। अब देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है आपका, कार्बन की चेन ये है, ठीक है। एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच कार्बन है टोटल। ये आपका COOH, यहाँ पर C है कार्बन, ये ध्यान देना है आपने, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम लोग लाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, वहां पर हमने क्या बोला था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में और सिर्फ जो आपके इस प्रकार से लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर जो भी टर्मिनल एंड होगा लाइन का या फिर बेंड जहां पर आएगा वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टर्मिनल हो गया, ये कार्बन है, बेंड कार्बन, बेंड कार्बन, बेंड कार्बन, यहाँ पर भी जो बेंड है वो कार्बन को दिखा रहा है। तो इस तरह से जितने बेंड होंगे लाइन में, जितनी बार लाइन मुड़ी होगी उसका मतलब, यानी कोई कॉर्नर जो आपको ये दिखाई दे रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जहां पर भी टर्मिनल एंड्स होंगे, ये खुला टर्मिनल एंड है आपका, तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने, पांच कार्बन आपके, ठीक है। और यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग क्योंकि आपने बोला है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप या जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनको मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर वरीयता देनी है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहला नंबर मानेंगे, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को। तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से नंबरिंग की गई है। अब दूसरे और तीसरे के बीच में क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है, ठीक है ना, प्रीफिक्स में आपका कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पूरे पांच कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, पेंटा, ठीक है ना। उसके बाद डबल बॉन्ड आए हैं आपके दो जगह, एक सेकंड पोजीशन और दूसरा फोर्थ, तो 2,4-diene, ओके, और ओइक एसिड, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पेंटा 2,4-diene ओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ओके। एक और आपका कंपाउंड है जहां पर कि आपके दो ही, इसको अगर खोलेंगे तो ये किस प्रकार से होगा, कुछ इस तरह का ये कंपाउंड हो, ठीक है ना। अब हमें क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हम सबसे पहले कार्बन की पैरेंट चेन मानते हैं, पैरेंट कार्बन चेन, पीसीसी जिसे आप कह रहे थे, तो ये पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, क्योंकि यही दो कार्बन है, यही आपकी चेन आएगी। पहला कार्बन आपका ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और दूसरा ये हो जाएगा। अब दूसरे कार्बन पे आपके तीन क्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं, और क्लोरो यानी कि हेलो, और हेलो आपका जाएगा प्रीफिक्स में, ठीक है ना। तो 2,2,2-trichloroethanoic एसिड इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है ना। टू पे, टू वाले कार्बन पे आपके तीन क्लोरीन ग्रुप, तो 2,2,2,2,2,2-trichloroeth, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इथेन और ओइक एसिड, ये क्या हो गया इसका, आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा एक और आपका यहाँ पर कंपाउंड है जिसमें कि आप
जिसमें कि आप देख रहे हैं जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो बेंजीन के इस रिंग के ऊपर आप इस फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये आपका क्या है, पीसीसी है। पीसीसी में एक कार्बन दो कार्बन, दूसरे कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये आप कॉम्प्लेक्स जो आपने लोकेंड की बात की थी उनके अंतर्गत इसको देखा था। अब इसमें कॉम्प्लेक्स लोकेंड में पहला कार्बन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छह कार्बन है। आपको पता है पहले और तीसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बताएंगे, पहले आप ये बताएंगे कि पीसीसी में वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, तो सेकंड नंबर के पोजीशन पे जुड़ा है तो टू आप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपने बोला था कॉम्प्लेक्स लोकेंड के लिए हम ब्रैकेट स्क्वायर यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, देन साइक्लो हेक्सा 1,3-डाइनाइल, ओके 1,3-डाइनाइल। डाइनाइल क्यों यूज किया है, क्योंकि सब्सिट्यूएंट में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। आपने ये भी देखा था ना कि एक तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपकी पेरेंट कार्बन चेन में आ रहे हैं, तब तो आप सीधा यूज कर रहे हो इन आयन, डाइन, डाइन, ट्राइन, इस तरह से। लेकिन अगर आपका सब्सिट्यूएंट में पीसीसी में ना हो करके सब्सिट्यूएंट में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तब डाइनाइल, इनाइल करके, ठीक है, या वाइनाइल, इस तरह से आप यूज कर रहे थे। तो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इनाइल आपने यूज किया, तो साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइनाइल और उसके आगे इथेनोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि दो ही कार्बन है, दोनों सिंगली बॉन्डेड है और एक कार्बन उनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो ये इथेनोइक एसिड। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जहां उपस्थित है उन कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर करना सीख रहे हैं। तो इन तीनों कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करके इनका नाम लिखेंगे, आगे हम कुछ और कंपाउंड पर बात करेंगे। चलिए कुछ और कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पर अगर आपके किसी कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाई कार्बोक्सिलिक उसके लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप उनका भी नामकरण करेंगे। रूल्स आपके लगभग सेम ही हैं, बस आपको अब ध्यान देना है कि कौन सी आपकी कार्बन की चेन है, पीसीसी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके कहाँ कहाँ पोजिशन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो सब, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं उनका अगर नॉमेनक्लेचर करें हम लोग, तो ये COOH, COOH, जब आपका दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट जुड़े होते हैं बिना किसी एल्काइल समूह के जुड़े हुए, तो उनको, उसको ऑक्सैलिक एसिड आप लोग जनरली बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप उसका IUPAC नाम देखें तो क्योंकि यहाँ पर दो ही कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं तो इथ आपका आ जाएगा, दोनों कार्बन सिंगली बॉन्ड है तो इथेन हो जाएगा। दोनों कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो इथेन हो जाएगा। और उसके बाद आप बताएंगे कि कौन कौन से इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और कहाँ पर उनकी पोजीशन है, क्योंकि सिर्फ आपके कार्बोक्सिलिक समूह ही यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं। और दो, एक किसी भी को एक मान लो, किसी को दो सेकेंड मान लो, किसी को पहला, किसी को दूसरा मान लो, तो 1,2-डाइओइक एसिड इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा है आपका जिसे सक्सेनिक एसिड कहा जा रहा है और इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक समूह आपके CH2 CH2 के द्वारा यानी C2H4 के द्वारा अलग हैं, तो इसको सक्सेनिक एसिड जिसे कहा जा रहा है IUPAC में कहा जाएगा आपका, क्योंकि चार कार्बन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी को भी आप वन मान लीजिए, चाहे इधर से नंबरिंग करिए या इधर से, नाम आपका सेम ही रहेगा। तो चार कार्बन के लिए ब्यूट, चारों सिंगली बॉन्ड है तो 8-ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। एक और कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है जहां पर पांच कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपका पेंटेन और 1,5-डाइओइक एसिड इसका कार्बोक्सिलिक नेम हो जाएगा। इसके अलावा सात के लिए आ जाएगा हेप्टेन 1,7-डाइओइक एसिड और आठ कार्बन के लिए आपका आ जाएगा ऑक्टेन 1,8-डाइओइक एसिड। तो इस तरह से आप इनका नामकरण कर लेंगे, ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड का भी देखा था आपने लास्ट सेशन में, कुछ कंपाउंड है इसके यहाँ पर जिनका नामकरण किया गया है, एनहाइड्राइड के आपने देखे थे। चलिए लास्ट सेशन में आपने एल्डिहाइड भी देखा था, नाइट्राइल्स देखे थे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, ठीक
ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि किस कंपाउंड में आपका मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल कब होगा? जब आपका जितने भी और फंक्शनल ग्रुप उसमें हैं, जितने भी अन्य क्रियात्मक समूह उसमें हैं, वो सब उससे कम वरीयता के हों। अगर हाइड्रोक्सी से अधिक वरीयता का कोई समूह होगा तो तब हाइड्रोक्सी या एल्कोहल समूह आपका मेन फंक्शन नहीं होगा, तब तो आप उसको एज अ प्रिफिक्स यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये प्रायोरिटी बताई गई है कि प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे अधिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी कंपाउंड में है और उसके अतिरिक्त अन्य फंक्शनल ग्रुप भी हैं, तो आप हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को ही वरीयता देंगे, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। उसके बाद वरीयता मिलती है एल्डिहाइड को, ठीक है ना। एल्डिहाइड के बाद वरीयता मिलती है कीटोन ग्रुप को, और कीटोन के बाद आपका मिलती है एल्कोहल को, देन SH, और देन आपका क्या आ जाएगा, NH2। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका वरीयता की यानी प्रायोरिटी। आप समझिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप को आपने प्रायोरिटी देनी। अब जो गिवन कंपाउंड है, इनमें आप लोग बता देंगे कि किस किस में आपका OH समूह को एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। देखिए, पहले कंपाउंड की बात करें, अगर पहले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप OH है और दूसरा ये CO। दो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से आपका अधिक वरीयता किसकी है, इसकी हो जाएगी, तो मेन फंक्शनल ग्रुप भी वही होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें तो मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमें सिर्फ एल्कोहल की बात की गई है ना, कि एल्कोहल किसमें मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज हो रहा है, इसकी बात करेंगे तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक ये है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, दोनों में अधिक वरीयता किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, तो ये भी आपका एल्कोहल यहां पर भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ओके, देन यहां पर आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, NH2 और OH। तो इन दोनों में आपको पता है OH की अधिक वरीयता है, तो आपका जो ये तीसरा कंपाउंड है इसमें एल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है ना, इसके अलावा यहां बात करो, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो वरीयता किसको, एल्डिहाइड को, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, यहां पर ये तीन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये दोनों आपके कम वरीयता के हैं, अधिक वरीयता इसी की है, तो आपका ये भी क्या होगा, अल्कोहल यहाँ पर भी मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इन सभी में जो तीसरा है और जो ये पांचवा है, ये दोनों आपके क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड होंगे जहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह अल्कोहल होगा, जिसको वरीयता जीत जाएगी। सो देयर फोर थर्ड फोर फिफ्थ हैव मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। ठीक है ना, इसलिए आपका जो तीसरा और पांचवा है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, आपका अल्कोहल होगा। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्पेसिफिक रूल एंड एरोमेटिक कंपाउंड, जिनका आपने नॉमेनक्लेचर लास्ट सेशन में किया था, ठीक है ना, और आपने देखा भी था कि किस तरह से कंपाउंड का नाम नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। कुछ और कंपाउंड यहाँ पर है, इनका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, जैसे कि ये आपका एक कंपाउंड है जिसमें देखो बेंजीन रिंग पर COOET, ये आपका है, यानी कि ये क्या है, आपका एस्टर समूह है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, और COCl कार्बोनिल समूह भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से समूह आपके ऐसे हैं कि जो बेंजीन रिंग से बाहर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पैरेंट कार्बन चेन किसको माना जाता है, तो क्योंकि हम ऐसे ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिनमें पैरेंट कार्बन चेन आपकी बेंजीन रिंग है, तो उनमें आप किस तरह से समूह को लिखते हैं, तो आपको पता है कि जब भी पैरेंट कार्बन चेन को में आप बेंजीन को कंसीडर करते हैं, तो जो भी आपका समूह आ रहा था उसमें कार्ब आप ऐड कर रहे थे, तो कार्बोक्सिलेट यहाँ पर उसके लिए यूज करेंगे, एस्टर के लिए। तो क्या क्या है यहाँ पर देखो, इथाइल टू क्लोरो कार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इथाइल ग्रुप आपका कहाँ है, यहाँ है, टू क्लोरो कार्बोनिल,
टू क्लोरोकार्बोनिल आपका ये है सेकेंड नंबर के कार्बन पे, वन इथाइल टू क्लोरोकार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ओके एक और है आपका, वन नहीं आएगा, सिर्फ इथाइल आएगा, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, इस इथाइल की बात कर रहे हैं, वन पे आप देखकर डायरेक्ट इथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इथाइल तीसरे नंबर पर आपका क्या है, अमीनो है, थ्री अमीनो बेंजोएट, क्योंकि ये बेंजोएट है, बेंजीन पर आपका COA ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, बेंजोएट। ओके यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये फिनॉल हो गया, और नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, जहां पर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है या जो फंक्शन ग्रुप मेन फंक्शन ग्रुप जुड़ा होता है, नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं। तो वन से नंबरिंग शुरू करी, इधर से भी कर सकते थे, लेकिन तब ये आपका कहाँ आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फिफ्थ पर आ जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें कम नंबरिंग पर, लोएस्ट लोकन रूल के अकॉर्डिंग ये हमें कम नंबरिंग पर चाहिए, तो थ्री क्लोरोफिनॉल इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बन चेन ये है आपकी, तो वन टू टू फिनाइल, यहाँ पर आपने टू पर हमारा बेंजीन रिंग है, तो इस कंपाउंड में हो क्या रहा है, बेंजीन को हम सब एज अ सब्सिट्यूएंट मान रहे, तो जब बेंजीन सब्सिट्यूएंट में आता है तो आप प्रिफिक्स में फिनाइल यूज करते हैं वर्ड। ओके तो टू फिनाइल इथेन नाइट्राइल इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। ओके यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका यही हो रहा है, पहला कार्बन ये है आपका, और इस तरह से आप नंबरिंग कर रहे हैं, दूसरा कार्बन ये, तो पहले कार्बन पर आपका फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, सो वन फिनाइल वन टू थ्री, वन टू आपका क्या हो जाएगा, दो कार्बन, तो उसके लिए इथ आ गया, इथेनोन, ठीक है, वन फिनाइल इथेनोन, इथेनोन, क्योंकि ये आपका कीटो समूह, ठीक है। सिक्स आपका क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, इस तरह से आपने नंबरिंग की है, और वन पल आपका क्या है, फिनाइल प्रोपेन टू ऊन, ओके या प्रोपेनॉन टू भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक और कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पर आपकी जो बेंजीन रिंग है वो एज अ सब्सिट्यूएंट यूज हो रही है, नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है ना, ये आपकी नंबरिंग हो गई, ये भी आपका कीटोन समूह है आपको पता है, और यहाँ पर तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रिफिक्स में जाएगा, प्रिफिक्स में आपका बेंजीन रिंग जाएगी तो उसको फिनाइल कहा जाएगा, कौन से पोजिशन पर है, फोर्थ नंबर के कार्बन से है, तो फोर फिनाइल हो गया। उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन के लिए वर्ड रूट तैयार करेंगे जो कि होगा ब्यूट, और प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको बताया जाएगा कि तीसरे नंबर और चौथे नंबर के कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो थ्री इन टू ओन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, फोर फिनाइल ब्यूट थ्री इन टू ओन। ओके तो ये इसका IUPAC नाम है इस कंपाउंड का। एट है आपका, जहां पर आपको हाइड्रोक्सिल समूह दिख रहा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर चौथे कार्बन से आपका सेम फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप है या बेंजीन रिंग है आपकी जुड़ी हुई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फोर फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल। ओके क्योंकि यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन हो गया, और दूसरे नंबर पर आपका हाइड्रोक्सी समूह है तो ऑल आ जाएगा। ओके चलिए ये एक और कंपाउंड है आपका, जहां पर इस कीटोन समूह से आपके दो क्या जुड़े हुए हैं, बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, जिनको आप एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, सो वन वन, क्योंकि एक ही कार्बन है उससे दोनों साइड जुड़े, वन वन डायफिनाइल मिथेनोन इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और आपको कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग से यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा जो आपने माना है उन तीनों पोजिशन पर आपके फंक्शनल ग्रुप है, पहले पर आपका CN है, दूसरे पर BR है, और चौथे नंबर पर आपका हाइड्रोक्सी समूह है, तो टू ब्रोमो फोर हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और जब CN को आप पहले पढ़ते हैं प्रीफिक्स में उसको साइनो कहा जाता है, जब वो आखिर में जाता है तो उसको नाइट्राइल कहा जाता है। ओके चलिए इनको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए कुछ और कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे ये है आपका, तो वन नाइट्रो बेंजीन इसको कहा जाएगा, यही जहां पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है उसी को आप वन पोजिशन मान लेंगे, तो वन नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पर आप चल रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका बन सकता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो टू ब्रोमो वन क्लोरोफोर नाइट्रो बेंजीन इसको कहा जाएगा।
किसी को भी वन मान लीजिए, किसी को भी तो वन टू डाई क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर आपका वन पे अमीनो ग्रुप है और टू पर आपका क्या है इथाइल ग्रुप है, तो टू इथाइल एनिलीन इसको कहा जाएगा। बेंजीन रिंग पर जब NH2 समूह आता है तो उसको एनिलीन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया एनिलीन, और एनिलीन पर सेकेंड नंबर की पोजिशन पर आपका क्या है इथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। ये आपका क्या है वन और टू पर मिथाइल ग्रुप है, तो वन टू डाई मिथाइल बेंजीन इसको कहा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने बोला है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या बोला है कि जब ये एंड जो टर्मिनल्स आपको दिखते हैं इसका मतलब क्या है कि वहां पर कार्बन होगा, ठीक है। तो क्योंकि टर्मिनल छोड़ा गया है तो एक ही कार्बन होगा, एक कार्बन का मतलब मिथ, और एल्काइल समूह होगा तो मिथाइल हो जाएगा। ये आपका एक और है कंपाउंड जहां पर पहले नंबर पर आपका COCl है और तीसरे नंबर पर आपका OET है, तो इस तरह से इसको क्या कहा जाएगा थ्री इथॉक्सी, क्योंकि थ्री पर क्या है और इथॉक्सी ग्रुप है आपका, तो थ्री इथॉक्सी बेंजोइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजीन इन पर COC, ठीक। चलिए बेंजीन रिंग पर दो OH समूह, बेंजीन वन टू डायोड, ओके। और बेंजीन रिंग पर वन और थ्री पर आ गया तो बेंजीन वन थ्री डायोड, वन और फोर पर आ गया तो बेंजीन वन फोर डायोड। इसी प्रकार से जैसे इसको थैलिक एसिड कहा जा रहा है, जब बेंजीन रिंग पर दो निकटवर्ती पोजीशन पर आपका COH ग्रुप आ रखा है तो इसको डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन वन टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाएगा। और आइसोथैलिक एसिड में क्या होगा वन थ्री पोजिशन पर आपका क्या होगा COS समूह होगा और इसको कहा जाएगा बेंजीन वन थ्री डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और वन फोर्थ पर जब चला जाएगा तो उसको कहा जाएगा बेंजीन वन फोर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। चलिए इसका इसको नोट करेंगे जल्दी से। नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, द्विचक्रीय यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है आपका, ठीक है ना। कंपाउंड विद टू फ्यूज्ड साइक्लो एल्केन रिंग्स आर कॉल्ड बाई साइक्लो कंपाउंड, दे आर साइक्लो एल्केन्स हैविंग टू और मोर एटम्स इन कॉमन, ओके। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ऐसा कोई यौगिक जिसमें दो साइक्लो एल्केन रिंग फ्यूज हो रखी हैं और इसको क्या कहा जा रहा है आपको इस प्रकार से बाई साइक्लो कंपाउंड कहा जा रहा है। नेमिंग ऑफ बाई साइक्लो कंपाउंड में द प्रिफिक्स बाई साइक्लो इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एल्केन हुज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द टू रिंग्स, ठीक है ना। दो रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उसके लिए जो भी आपका नाम आता है वो आप लिखते हैं फॉलोड बाय बाई साइक्लो, ठीक है ना। द ब्रैकेटेड नंबर शो द नंबर ऑफ कार्बन एटम एक्सेप्ट ब्रिज हेड पोजिशन कार्बन एटम इन ईच ब्रिज एंड दे आर रिटर्न इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। एग्जाम्पल से इसको आप समझिए कि क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर दो बाई साइक्लो आपका यानी कि क्या हो रहा है, दो जो साइक्लो एल्केन है वो आपका आपस में फ्यूज हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं। तो पहले ब्रिज हेड पोजीशन कौन सी होगी, जिन दो पोजीशन पर वो अटैच, ठीक है ना। जब आपका कोई भी साइक्लो कंपाउंड जुड़ रहा है तो कोई दो पोजीशन पर तो वो जुड़ ही रहे होंगे ना आपस में, ठीक है ना। इसकी ये दो पोजीशन है, इसकी भी दो पोजीशन है, वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो जिन जिन दो कार्बन पर वो जुड़ रहे हैं उनको ब्रिज हेड पोजीशन कहा जाता है आपका, ठीक है ना। बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन इसको कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है आपका कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इन रिंग ए जो कितने हैं, तीन है रिंग ए में, ये रिंग ए है इसमें वन टू थ्री तीन कार्बन के एटम है आपके। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग बी इस तरह से क्या कहा गया है, पहली रिंग में कितने कार्बन है, दूसरी में कितने कार्बन है, तो दूसरी में आपके दो है वन टू। नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन ब्रिज हेड पोजिशन, ब्रिज हेड पोजिशन के बीच में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, तो कुछ नहीं आ रहा है, तो आपने क्या लिखा है जीरो लिखा है। तो ये क्या हो गया हेप्टेन, हेप्टेन क्या बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है ना। तो हेप्टेन इसका नाम आ गया। तो इस तरह से आप नंबरिंग नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। चलिए तो आने वाले सेशन में कुछ और कंपाउंड्स पर हम बात करेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स पर, बाईसाइक्लो कंपाउंड जिन्हें कहा जा रहा है उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।